Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our mains answer writing practice. जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम लोग बढ़ने वाले हैं. और आज का हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी फैसिलिटेड सेक्सुअल वायलेंस. टेक्नोलॉजी फैसिलिटेड सेक्सुअल वायलेंस क्यों, क्या क्या रीजंस हैं क्यों ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेड सेक्सुअल वायलेंस बढ़ रहे हैं. And online abuse in educational institutions. Also suggest potential measures to combat them. और क्या क्या measures हैं जिससे कि हम वो combat कर सकते हैं. So let's see how we approach this answer. And you should also try to write these answers by yourself. क्योंकि जितना आप खुद से लिखोगे उतना आप improve करेंगे. The more you write, the more you improve. So try to write these answers by yourself also. So let's start. Introduction. As I always say, there are two thumb rules of introduction. You either define the question, main word of the question, or give some facts. और उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, facts लिख सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे TFSV के बारे में लिखा था, teach technology facilitated sexual violence. This can take many forms such as morphed nude images. जो morphed nude images होते हैं वो हो सकती है. Sexualized blackmailing and bullying. Blackmailing करना, bully करना. Digital flashing, rape threats, explicit comments and messages. तो ये सब many forms हो सकते हैं TFSB के. और इंडिया का जो IT Act है, IT Act of 2000, it criminalizes some form of TFSV. That is technology facilitated sexual violence. लेकिन क्या होता है कि there are many ambiguities और काफी time इसकी reporting नहीं होती है. काफी time के most of the times there is no reporting of TFSV. ठीक है, तो ये एक problem है. और मैं mostly जो India में जो most cases हैं TFSB के वो तीन platform से ही आते हैं, that is Facebook, WhatsApp and Instagram. So these are the major social media sites where the cases of TFSB can be TFSV can be seen. तो ये सब कुछ चीजें थी जो टेक्नोलॉजी फैसिलिटेड सेक्सुअल वायलेंस के बारे में थी. अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मेजर फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये इतनी बढ़ रही है. फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी फैसिलिटेड सेक्सुअल वायलेंस. द फर्स्ट फैक्टर इज इंक्रीज्ड इंटरनेट एंड स्मार्टफोन यूजेस. जो इंटरनेट की यूजेस है या स्मार्टफोन की यूजेस है इजिली फॉर स्टूडेंट्स, जैसे अगर एडुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है क्वेश्चन में, स्टूडेंट्स. अब देखो कि आप कि हमारे जब हम बच्चे थे तो उसमें देयर वाज नो टेलीफोन्स टू अस, नो स्मार्टफोन्स टू अस. बस बट नाउ द स्टूडेंट्स ऑफ इवन जूनियर क्लासेस हैव देयर ओन पर्सनल स्मार्टफोन्स. इंटरनेट आ गई है, वाईफाई हर घर में लग चुका है. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस इंटरनेट है तो फिर टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड ये सेक्सुअल वायलेंस तो होगा ही. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम. सेकेंडली एनोमिनिटी एंड डिसइनहिबिशन. एनोमिनिटी मतलब एनोनिमस रह जाते हैं लोग, that is without showing their identities. Identities को बिना बताए काम होता है. तो अगर आप किसी चीज को आइडेंटिटी को बताएंगे तो आपको डर लगता है क्योंकि आइडेंटिटी छुपी रहती है, क्योंकि फेक आईडीज रहते हैं, फेक नेम्स रहते हैं. तो डर जो है काफी कम हो जाता है जो भी ये चीज करते हैं और उससे उनको बढ़ावा मिलता है. डिसइनहिबिशन. डिसइनहिबिशन क्या होता है कि जैसे मान के चलो हियर इंडिविजुअल्स to act more aggressively online than would be in person. एक इंसान जो रियली में उतना aggressive नहीं है but in online platforms as क्योंकि उनकी identity छुपी रही है, वो person एक ज़्यादा aggressive हो जाता है as compared to its real nature. So this is what disinhibition is and it comes from the fact that identities छुपी हुई हैं. Cyber bullying and peer pressure. इसमें कभी कभी क्या होता है, मान के चलो 10 लड़कों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स,
और उसमें क्या होता है कि अगर एक दो अच्छे लड़के भी हैं तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि अरे भाई ये लड़के उन्हें बुली करेंगे, अरे यार तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते, तुम वो नहीं करते हो, तो उस प्रेशर के अंदर ये भी वो चीज करना स्टार्ट होते हैं, तो लुक गुड इन द ग्रुप। तो मतलब बच्चों का क्या है, वो स्टूडेंट्स फील कंपेल्ड टू पार्टिसिपेट इन बैड बैड एक्टिविटीज, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। देर इज लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, अवेयरनेस की कमी है, डिजिटल लिटरेसी की कमी है। दे आर नॉट फुल्ली अवेयर व्हाट कैन बी हैपन ऑफ देयर ऑनलाइन एक्टिविटीज, क्या हो सकती है ऑनलाइन एक्टिविटीज, ऑनलाइन एक्शन से, और प्रोटेक्ट कैसे करना है वो नहीं पता है, सो दे गेट ट्रैप्ड इन दिस। सो लैक ऑफ डिजिटल अवेयरनेस एंड लिटरेसी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। देर आर मेनी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑल्सो, सच एज शेयरिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मेनी टाइम्स मेनी पीपल शेयर देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन दिस सोशल मीडिया साइट्स, एंड दोज पर्सनल इन्फॉर्मेशन is used as a weapon to blackmail them or do something else to them, but the security measures hain wo nahi len, or many digital platforms also don't have proper security measures to hide the personal informations, so their privacy is leaked and that is used against the person, so ye bhi problem hai। online grooming and exploitation, jo perpetrators hain, जो लोग इन्वॉल्व करते हैं इसमें, तो वो एक्चुअली बच्चों को ग्रूम करते हैं कि डू दीज थिंग्स, दे इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स टू गेन देयर ऑन बेनिफिट्स, और स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, दे एक्सप्लॉइट स्टूडेंट्स टू गेन बेनिफिट्स। मेनी टाइम्स इट कैन बी सीन देन द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज इज डूइंग दिस ड्यू टू दिस ऑनलाइन ग्रूमिंग। ऑनलाइन उन्हें किसी से सपोर्ट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ बेनिफिट्स दिखाए जा रहे हैं स्टूडेंट को, जिससे वो ये चीजें करती हैं करते हैं। So, these are the major factors which has led right to the technology assisted sexual violence। और भी factors हो सकते हैं, मैं चाहूँगा आप उसे comment करके बताएं कि और भी आपको क्या क्या factors लग रहे हैं जो इस answer में या इस points में होने चाहिए। तो comment करने से एक तो आपकी brain storming की capability भी बढ़ेगी और हमारे बीच involvement भी बढ़ेगा, मैं तो देख पाऊँगा क्या क्या points सोच पा रहे हो, क्या क्या आपके दिमाग में points आ रहे हैं। So, please do comment and get involved। Now moving to the second part of the body, that is measures। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो first part is asking the factors and the second part is asking the potential measures। We have discussed the factors, now we will be going into the potential measures। क्या क्या measures हो सकते हैं? First one is comprehensive digital literacy program, for we need to enhance our digital literacy, we need to educate everyone, not only students but to everyone about online safety, about online safety। Many times we don't even read the terms and conditions and just say yes, many times every one of us do, but usse kafi problem hoti hai, hamari personal information leak hoti hai, to online safety ke bare mein pata hona chahiye, kaise karna, responsible internet users ke bare mein pata hona chahiye, consequences pata hone chahiye ki harmful activities mein agar hum involve hote hain usse kya consequences ho sakte hain, sir usse bhi kafi log na kare, so we need to educate everyone। Secondly, we need to establish clear policies and reporting mechanism। Clear policies, many times क्या होता है जो technology facilitated तो इसकी कोई clear policy नहीं है, काफी loopholes हैं और इससे criminals या जो भी लोग कर रहे हैं वो बच जाते हैं। और reporting mechanism, the reporting is very low, negligible, नहीं के बराबर reporting होती है, TFS का online होता है, online खत्म हो जाता है, most of the people do not report it। सो उसमें भी हमें अवेयरनेस जनरेट करना होगा, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म अच्छी हो, रिपोर्ट्स स्किल है, ट्रेनिंग फॉर स्टाफ्स एंड टीचर्स, जो भी स्टाफ्स एंड टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए तो हाउ टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटिवली टू सच इंसिडेंट्स, जो टीचर्स हैं स्टाफ से कैसे रिस्पॉन्ड करें ऐसे इंसिडेंट्स पे, रिस्पॉन्ड टू TSA भी, TFS भी, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच कैन बी डन। साइबर बुलिंग प्रिवेंशन इनिशिएटिव्स, initiatives to prevent cyber bullying are needed, such as we can do awareness campaigns, we can do workshops, we can involve peer support groups, so these things can help to prevent cyber bullying। Secondly, we need to collaborate with tech technological companies, tech companies,
so that the a platform so that tools are developed and features are done to enhance online safety. टेक्नोलॉजी कंपनी से कोलाबोरेट करना होगा ताकि फीचर्स और ऐसे टूल्स बने, फीचर्स एंड टूल्स टू इन्हेंस ऑनलाइन सेफ्टी, ताकि ऑनलाइन सेफ्टी जो है वो बढ़े और जो रिपोर्टिंग के मैकेनिज्म है वो भी बढ़े और इससे काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है. काउंसलिंग एंड सपोर्ट सर्विस टू दोज जो कि विक्टिम्स रह चुके हैं TFSAB की. काउंसलिंग एंड सपोर्ट सर्विस टू विक्टिम्स ऑफ TFSAB. काफ़ी टाइम्स क्या होता है कि जो विक्टिम्स होते हैं दे गेट वेरी मच प्रॉब्लम्स, जो काफ़ी टाइम डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे चीज़ें हुआ है. सो दे नीड ए सपोर्ट सर्विस और उसमें हमें अच्छे से काम करना होगा ताकि जो भी विक्टिम्स हैं उनको अच्छा से रिहेबिलेट करा सके, सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप कर लेते हैं. वी नीड कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड पैरेंटल इन्वॉल्वमेंट. काफ़ी टाइम ऐसा देखा गया कि वही बच्चे ये सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनकी पैरेंटल केयर ठीक नहीं है. काफ़ी टाइम क्या होता है पैरेंटल अब्यूज़ या पेरेंट के द्वारा ठीक से ट्रीट नहीं करना बच्चों को, क्या होता है वो बच्चे काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं और चल के इन फ्यूचर दे डू दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स. काफ़ी टाइम ऐसा नोटिस किया गया है. सो पेरेंटल केयर जो है, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट अच्छा होना चाहिए और पेरेंट्स शुरू से ही इन सब चीज़ों के अवेयरनेस जनरेट करें अपने बच्चों में. दिस कैन बी हेल्पफुल. लीगल एंड जुडिशियल मेजर्स, स्ट्रेंथिंग लॉज. वी नीड टू स्ट्रेंथ लॉज रिलेटेड टू दिस थिंग्स. स्ट्रेंथन लॉज रिलेटेड टू ऑनलाइन हरासमेंट एंड इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट एंड डिटरेंट इन प्रोवाइड जस्टिस टू विक्टिम्स. और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट हो एक्ट्स की और जो भी जस्टिस हो, जस्टिस डिलीवरी हो विक्टिम्स को. मेनी टाइम्स अनरिपोर्टेड जाता है तो रिपोर्टिंग लॉ अच्छी होगी तो लीगल जुडिशियल मेजर्स अच्छे होंगे तो रिपोर्टिंग भी बढ़ेगी. सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस. तो ये सारे कुछ मेजर्स थे जो मैंने लिखे जो इंपॉर्टेंट थे और भी मेजर्स हो सकते हैं. मैं चाहूँगा आप उसे कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से और भी क्या क्या मेजर्स लगते हैं जो यहाँ लिखे होने चाहिए थे. नाउ मूविंग टू कंक्लूजन. मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो जस्ट ट्राई टू कंक्लूड विद ए सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है. एड्रेसिंग द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड सेक्सुअल वायलेंस एंड अब्यूज रिक्वायर्स ए मल्टी फैसेटेड अप्रोच इन्वॉल्विंग एडुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड सोसाइटल एफर्ट्स टू क्रिएट सेफर डिजिटल एनवायरमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स. जो भी TFSAB जो बढ़ रहा है, अब्यूज जो बढ़ रहा है, उसके लिए हमें कंट्रोल करने के लिए, एड्रेस करने के लिए उसे एडुकेशनल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, सोसाइटल सारे एफर्ट्स चाहिए होंगे ताकि सेफर डिजिटल एनवायरमेंट ना ही सिर्फ स्टूडेंट के लिए सब के लिए डेवलप हो पाए, फॉर एवरी सिटीजन. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. मेहनत लगती है कैसे वीडियोस को डेली बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए और मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा टाइम पे आप सबके लिए बना पाऊँ. सो अगर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो काफ़ी मोटिवेशन मिलते हैं मुझे कि मैं ऐसे वीडियोस आप सबके लिए बना पाऊँ. आप कमेंट करके बताएं अपने ये चीज़ को. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.